सो हम आ गए हैं वापस हनोई में और 2 दिन है हमारे पास हनोई में, तो आज करना है एक्सप्लोर जो हमारा लास्ट टाइम छूट गया था. तो वी आर प्लानिंग टू गो टू प्रिजन, जो यहाँ का फेमस प्रिजन है, और कैथीड्रल. तो ये दोनों चीजें तो करनी ही करनी है. उसके बाद टाइम मिला तो देखेंगे क्या करते हैं. अभी होने जा रहे हैं रेडी एंड देन वील गो आउट टू आई गेस टू रेंट अ स्कूटी, मे बी नॉट, देखते कैसे जाएंगे. टैक्सी से जाना है, स्कूटी से जाना है, कैसे भी जाना है. ये सब फिगर आउट करने के बाद पहला पॉइंट होगा प्रिजन एंड देन कैथीड्रल. उसके बाद हम लोग कुछ खाना खाएंगे एंड फिर आपसे बातें करते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए जल्दी से. वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना. हमें अपना सपोर्ट प्लीज दिखाओ और कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज अच्छी लगी क्या नहीं लगी. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द डे टुडे. तो हमने अपना जर्नी शुरू कर दी है टू एक्सप्लोर जो भी छूट गया था लास्ट टाइम इन हनोई. तो हम लोग अभी लंच करके आए हैं. लंच में वी हैड द फेमस फो एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग फो खा रहे हो तो फो के साथ एक ब्रेड मिलती है, लंबी सी होती है एंड जनरली 2 ब्रेड जॉइंट होती हैं. उसके चार्ज इज वेरी लेस, आई थिंक 10,000 डोंग्स लेते हैं उसमें. और उसको ब्रेड को आपको ऐसे नहीं खाना होता है, उसमें उसको अच्छे से डिप करके सोक करना होता है फो में, फो की ब्रॉथ में, एंड देन यू हैव टू ईट. बहुत अच्छा लगता है वो. तो ये तो हो गया मेरा खाने के ऊपर टिप, अमूल का नुस्खा. ओके, तो हमारी जो फर्स्ट स्पॉट है जो हम लोग आज जाने वाले हैं, दैट इज प्रिजन. एंड वो हमने गूगल मैप्स पर डाला. सो दैट वॉज जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, इट टुक 10 मिनट्स फ्रॉम दैट प्लेस टू हियर. अब अंदर जाके देखते हैं कैसा बना है यहाँ का प्रिजन. चलो. सो हम हैं हुआलो प्रिजन के अंदर. एंड आपको पता है हुआलो जो नाम है वो इसलिए पड़ा था क्योंकि पहले यहाँ पे कप्स, केटल्स और ये सारी चीज़ें बनती थी, बर्तन बनते थे बेसिकली. तो हुआलो का मतलब होता है फायरी फर्नेस एंड उसी के ऊपर इस प्रिजन का नाम पड़ा हुआलो. अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वो है सेल डी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स इन द प्रिजन, सेल डी, जिसमें बहुत सारे लोगों को रखा जाता था. तो इनिशियली बस 40 लोग रहते थे, बट जैसे जैसे प्रिजनर्स बढ़ते गए, वियतनाम वॉर के सोल्जर्स बढ़ते गए, तब इसमें कम से कम 100 लोग भी यहाँ पे रख दिए जाते थे. इतना भी बड़ा नहीं है बट 100 लोगों को भी रखा जाता था इन दिस वेरी प्रिजन. सो वी हैव जस्ट बिगन टू सी दिस. एंड जहाँ पे हम सेल डी में हम खड़े हैं वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कौन से स्टोन्स यूज करके ये पूरा सेल बना था. मेरे पीछे है यहाँ का गेट बना हुआ है, इतना बड़ा सा गेट है यहाँ का. देन लॉक्स किस तरह के होते थे, किस तरह के रॉक्स यूज हुए हैं, नेम प्लेट, ये प्रिजन बिल्ड करते टाइम कितने पैसे दिए गए, कितने पैसे में प्रिजन बिल्ड हुआ, सारी यहाँ पर पेपर्स और हिस्ट्री यहाँ पर है. वहाँ पर एक पैनोरमिक व्यू भी हमें दिखता है, पूरे प्रिजन का पूरा मैप भी है. सो एवरीथिंग इज देयर, वी हैव जस्ट बिगन, देखते हैं आगे क्या है. तो राइट नाउ मैं अभी प्रिजन सेल के अंदर खड़ी हुई हूँ एंड ये सेल कोई ऐसा ऐसा नहीं, दिस वॉज जस्ट फॉर द प्रिजनर्स हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ. तो उनको यहाँ रखा जाता था फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 मंथ्स एंड यहाँ आके थोड़ा तो स्केरी एंड बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है. 2 बेड्स हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि किससे उनके पैरों को लॉक किया जाता था. वेरी 2 स्मॉल विंडोज और कुछ नहीं एंड जस्ट दिस स्मॉल रूम, वेरी अच्छी. हुआलो प्रिजन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, कैसे प्रिजनर्स को रखा जाता था, कैसे बांधा जाता था, उन लोगों को यहाँ पर भी लॉक लगाया जाता था, उसकी पिक्चर्स, इमेजेस, स्ट्रक्चर्स ऐसे बना के रखे हैं. मेरे पीछे एक आमंड ट्री है, इसके बारे में बाद में बताऊँगी. सो आप आगे जाते हो, 2 सेल्स आप विजिटर्स के लिए ओपन है, सेल डी एंड सेल ई. उसमें सारा कुछ डिस्क्राइब्ड है अबाउट प्रिजनर्स, कैसे उनको रखा जाता था. वेन यू मूव फॉरवर्ड तो एक डंजन आता है, जिसमें डंजन में बिल्कुल बस एक डोर है एंड प्रिजनर्स हैड टू ईट एंड रिलीव देमसेल्व्स एट द सेम प्लेस. बस एक छोटी सी खिड़की होती है और कुछ नहीं. तो डंजन में उन लोगों को रखा जाता था जो सेल के रूल ब्रेक करते हैं. बाहर आते हैं तो जो मेरे पीछे आमंड ट्री थी, तो आमंड ट्री का प्रिजनर्स बहुत यूज़ करते थे टू क्योर देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेज. उससे चम्मच, कटोरी, उसकी लीव्स का यूज़ करते थे एंड वहीं पे वो लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडास, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर द फाइट, ये सब डिस्कस करते थे. अभी हम हैं मेमोरियल के अंदर एंड यहाँ पे जो भी प्रिजनर्स थे उनके थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं वॉल में ही एंड यू कैन लाइट इनसेंस टू ऑनर देम. तो ये है उसके पहले वॉर मेमोरियल था, जिसमें बॉम्ब शेल्स हैं, फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, हाउ वॉज द सिचुएशन बैक देन, बच्चों को लिए
बच्चों को सिखाया जा रहा है कि फर्स्ट एड कैसे देना है, एंड हर इंसान के पास उस टाइम पे जो वियतनाम में था उसके पास 3 बॉम्ब शेल्टर्स थे, एक उनके घर में, एक स्ट्रीट में, और एक आई गेस एक पब्लिक प्लेसेस पे, सबके लिए 3 थे एटलीस्ट. तो इतनी ज़्यादा फायरिंग थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन थी, एंड इट वॉज 1970s का टाइम, सो बहुत ज़्यादा पहले का भी नहीं था, इट्स अ रीसेंट इवेंट. सो यही है, एंड काफ़ी हॉरिफिक हिस्ट्री है, बट गुड टू नो, वी शुड नो दीज थिंग्स. तो अभी मैं खड़ी हूँ इन फ्रंट ऑफ अ ब्यूटिफुल कैथीड्रल, खूब सुंदर है, एंड इसमें शादी हो रही है तो वो भी देख रहे हैं हम, एंड मेरे साइड में बहुत ही बड़ा सा क्रिसमस ट्री. तो हम कैथीड्रल भी आ गए हैं वॉक करते करते ही, एंड अंदर जाके देखते हैं कुछ देखने को मिलता है कि नहीं है, और फिर आपको भी दिखाते हैं. 1 hour later. तो मैं हूँ अभी एक फेमस ट्रेन स्पॉट पे, जहाँ पे बेसिकली रेलवे ट्रैक है एंड ट्रेन भी जाती हैं, और ट्रेन जो जाती है उसका बहुत सेट टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल नहीं है ट्रेन का, बहुत कम जाती है. सो आज शायद बस 9 बजे रात में जाएगी. एंड इस ट्रेन ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये ट्रेन ट्रैक के दोनों तरफ जो है वो खूब सारे कैफे से लाइंड अप है. तो बेसिकली यहाँ पे वैसी वाइब है, कैफे कैफे के बीच में ट्रेन है, तो थोड़ा सा अलग दिखता है, और बस लोग यहाँ पे बैठते हैं कि हम कैफे में बैठ के चिल करें, अपना टाइम स्पेंड करें, एंड ट्रेन को जाते हुए देखें. ऑल्दो ट्रेन हमेशा नहीं जाती, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं रिव्यूज देख के आई थी, वीडियोज देख के आई थी, बट समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज ऑल द हाइप अबाउट. इंडिया में तो हर जगह ट्रेन ट्रैक्स देखने को मिलती है, बट चलो कैफेज हैं आसपास, सो यू कैन सिट एंड रिलैक्स, बट ऐसे ही आपको आने नहीं दिया जाएगा. यू हैव टू चूज अ कैफे, देन ओनली यू विल बी अलाउड एंट्री. यहाँ के लोकल्स गेट बंद करके रखते हैं, पुलिस इज ऑल द टाइम कीपिंग अ ट्रैक, कीपिंग अ वॉच ही कौन उस पटरी पे जा रहा है. उस पटरी पे आप जाके नहीं रह सकते बहुत देर तक, और इनफैक्ट 1 सेकेंड के लिए भी अगर आपको पिक्चर क्लिक करवानी है तो आपको छुप के जाना पड़ेगा, जल्दी से क्लिक करवा के हटनी पड़ेगी, नहीं तो या तो लोकल्स या तो यहाँ के पुलिस वाले आपको हटा देंगे. हमें दोनों लोगों ने हटा रखा है, सेइंग कि अगर आप पटरी पे रहोगे तो पुलिस विल क्लोज द शॉप. सो इसलिए यहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग डरे रहते हैं एंड पुलिस वाले आपको हटाते रहते हैं. तो इतनी ज़्यादा हाइप क्या है, आई डोंट नो, इट्स ओके, इट्स एवरेज. और भी जगह सिटी में नाइट लाइफ है, कैफेज है, वहाँ पर भी जाके आप चिल कर सकते हो, बट हम अब आ गए थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड देन वी गो एंड एंजॉय द नाइट लाइफ ओवर हियर. तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कैसा दिखता है ये. देखो हर जगह बस कैफे कैफे है, एंड बीच में ट्रेन ट्रैक है. यही है यहाँ की वाइब, यहाँ के इंडियंस, एंड यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही नहीं जाने को मिलेगा. पर आ गए हो तो फिर आप कैफे हॉपिंग कर सकते हो. ओके, हम जिस कैफे में हैं एक्चुअली यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टोन्स हैं, एंड यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो. सो आई विल गो एंड राइट माई नेम. तो मेरे डिनर का फूड हंट शुरू हुआ बाय सर्चिंग थ्रू प्लेसेस एंड फॉर लोकल फूड जो और हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है एंड करना चाहिए इन हनोई. एंड मुझे मिला एक डिश जिसका नाम है ड्राइड फो, एंड हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है फोगा ड्रॉन. गूगल पे रिसर्च करके, गूगल मैप से देख के हम लोग यहाँ आए, एंड इट लुक्स लाइक दिस व्हेन इट इज सर्व्ड फॉर यू. एंड इसके साथ आपको देते हैं गार्लिक चिली इन विनेगर, सम लेमन, सम मोर चिली, एंड सम सूप इफ़ यू वांट टू. वैसे ये ड्राइड फो है, इसमें सूप डालने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल्सो हैव चिली सॉस, पेपर एंड फिश सॉस. सो अब इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा है, क्योंकि अब फो और बुंचा खा के बहुत सूप सूप हो गया था. वी वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग एल्स, एंड लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट. ये ड्राइड फो काफ़ी अच्छा है, और ड्राइड मतलब इसमें आपको सूप नहीं देते इन द बोल इटसेल्फ. बुंचा या फिर फो हो गया, उसमें सूप पहले से ही पड़ा रहता है, उसमें सूप अलग से दिया रहता है इन केस यू नीड. और हमारी थोड़ी जानी पहचानी हर्ब्स भी हैं इसमें, जैसे धनिया है, लेमन ग्रास है. उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये फ्राइड शैलट्स क्रंच में ऐड कर देते हैं, तो मैं अलग से जाके बोल में भी ले आई.
उसके साथ मैंने एक जो स्पेशल चीज ली है दैट इज दिस ब्रेड. ये जब आप फो खाओगे तब भी आपको आप ले सकते हो. हमने अभी भी ले लिया एक्स्ट्रा इस छोटा सा जो हमें सूप मिला उसके साथ खाने के लिए. तो इसको ऐसे ही नहीं खाया जाता है, इट्स जस्ट प्लेन एंड नमकीन, इट्स नॉट मीठी. तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे करके आपको अपने सूप में डिप कर लेना है एंड वंस इट सोक्स ऑल द सूप फिर आपको खाना है, फिर इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है. तो आप अगर फो खा रहे हो तो ये ब्रेड लेना इज अ मस्ट. एक बार ट्राई तो करना बनता है, ट्राई कर लिया तो पक्का अच्छा लगेगा. तो अब मैं एंजॉय करने जा रही हूँ अपना ड्राइड फो. तो हम एंजॉय कर रहे हैं हनोई सिटी की नाइट लाइफ एंड यहाँ पर नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए जो स्क्वायर है हम लोग वहीं पहुंचे हैं एंड मुझे रास्ते में दिख गया ये जो स्काई में प्रोजेक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे काफी सारे ड्रोन्स हैं जो स्काई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं. हैप्पी न्यू ईयर 2023 ये सब देखने को मिल रहा है विच इज वेरी प्रीटी. पीछे एक बहुत बड़ा सा स्टेज सजा हुआ है फॉर द न्यू ईयर पार्टी. बट टुडे इज 30th एंड हैव अ लुक एट द स्काई. बहुत ही सुंदर ये लोग प्रोग्राम किए हैं ड्रोन्स को जिससे बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स बन के आ रहे हैं. बैक इन द होटल आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आफ्टर वॉकिंग अ लॉट मतलब हमने कम से कम 4-5 किलोमीटर तो आराम से बाय फुट एक्सप्लोर कर लिया अपने आसपास होटल के आसपास का एरिया. तो पहले भी मैंने बोला है कि यहाँ पे जो हमने होटल चूज़ किया जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वो वाला होटल इज़ एट द सेंट्रल लोकेशन. हमने जब अपने रिसेप्शन पे पूछा था कि व्हाट प्लेसेस कैन वी विजिट, तो उन्होंने सजेस्ट हमें किया था कि आप टैक्सी ले लो या स्कूटी ले लो पास में विजिट करने के लिए. बट स्कूटी वॉज ऑल ओनली नीडेड फॉर द विजिट टू लिटरेचर टेम्पल. उसके अलावा हम कैथीड्रल गए, हम प्रिजन गए और वो जो ट्रेन वाली जो लोकेशन थी जिसमें अगल बगल दोनों साइड कैफेज थे वो भी बाय फुट ही एक्सप्लोर कर लिया. बहुत ज़्यादा तो नहीं जो डिस्टेंस था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में थी, घूम घूम के जाना पड़ा. सो इन ऑल वी कवर्ड अ लॉट बट सारी चीज़ें आसपास ही थी कि पॉसिबल था बाय फुट कवर करना. एंड यहाँ का टेम्परेचर इतना अच्छा रहता है कि आपका मन करता है थोड़ा बहुत चलने का. तो बहुत ज़्यादा हम लोग चले, बहुत एक्सप्लोर किए एंड आज वीकेंड है, फ्राइडे नाइट है. तो फ्राइडे नाइट को यहाँ पे नाइट मार्केट भी लगती है. तो नाइट मार्केट जैसे यहाँ पे वियतनाम में जैसे हर जगह की नाइट मार्केट होती है, सभी कुछ मिलता है, यहाँ भी सभी कुछ मिल रहा था बट इट वॉज़ वे क्यूटर. मुझे और ज़्यादा क्यूट लगी थी वे, जैसे फुटवेयर और क्यूट थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको सोविनियर्स देने होते हैं, कपड़े देने होते हैं, कपड़े आप खुद के लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो थी अच्छे प्राइसेस में मिल रही थी. एंड बहुत लंबी मार्केट है, बहुत लंबी नाइट मार्केट लगती है एंड इट्स ओनली ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे. वो भी पास में ही थी. कल हम लोग को वापस जाना है. टुडे इज़ द सेकेंड लास्ट डे एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे ऑफ अस एंड ऑफ दिस अमेजिंग हॉलीडे दैट वी स्पेंड इन वियतनाम. तो कल लास्ट डे, कल वापस जा रहे हैं. बट इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी गुड हॉलीडे. वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रहे हैं, बहुत मज़ा आया. सो दैट्स अ गुड थिंग. कल वापस जाएंगे घर, कल वापस दिल्ली. न्यू ईयर घर पे होगा, सो दैट्स अ गुड थिंग. तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज हनोई में हमने जो जो चीज़ें कवर की वो आपको कैसी लगी? डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? प्रिजन की हिस्ट्री आपको कैसी लगी? ये सब चीज़ों के आंसर्स का वेट मैं करूँगी इन द कॉमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाके लाइक कर दो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट सुन लो और जाके सब्सक्राइब कर दो. यस, कैन डू इट, सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. टाटा एंड गुड नाइट.